हेलो एवरीवन, माय नेम इज हमीदा सांगलीवाला। मेरी मॉम के लिए हम लोग एक्चुअली दवा के लिए देख रहे थे, तो वापी के अंदर सेलवास के अंदर हम लोग बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए थे कि मम्मी को मोशन की जगह पे प्रॉब्लम था, पर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ है। फिर हम लोग के फ्रेंड्स के रेफरेंस से हम लोग को पता चला हीलिंग हैंड्स के बारे में, अश्विन सर के बारे में, तो हम लोग ने गुजरात से मेरी मॉम को यहाँ पे बुलाया है कि यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि एज फैक्टर भी रहता है, उनकी एज थी और उनकी हेल्थ भी इतना वो नहीं था, तो यहाँ पे लेके आए एंड फिर यहाँ पे ऑपरेट वगैरह किए हम लोग ने। उनका ऑपरेट करने के बाद में काफी अच्छा आया और उनका जो मोशन था अपन उसके बाद में वो थोड़ा सा ज्यादा होने लग गया, क्योंकि वो कंट्रोल वहाँ की जगह पे कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो हम लोग अपन अब कंट्रोल नहीं हो रहा था क्योंकि उनका एज भी फैक्टर था एंड ये मोशन का। पर बाद में सही होने के बाद में हम जब घर लेके गए उनको, तब घर पे 2-3 दिन सही था एंड दोबारा उनकी तकलीफ होने की वजह से हम दोबारा यहाँ पे लेके आए। ऐसा 2-3 बार प्रोसेस रिपीट होते गया। फिर लास्ट में जब हम दोबारा गुजरात के सब ऑल सेट था एंड गुजरात लेके गए, तो वहां पे दोबारा उनकी तबीयत खराब होने की वजह से हम एक बड़े दवाखाने में लेके गए थे उनको। तो उनको जैसे कि अलग अलग बड़े बड़े टेस्ट लिख के दिए थे करने के लिए, कोलोनोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी, वैसे सब बोले थे जो हम लोग ने नहीं कराया, क्योंकि ऐसा था कि यार इतना सारा पहले जो इतना सफर कर रही है और वहीं से पूरा टेस्ट करने का है, तो थोड़ा हम लोग को रिस्क फैक्टर लगा। तो हमने अश्विन सर से आए, हम लोग दोबारा बातचीत किए उनसे कि सर ये है, तो सर ने हम लोग को काफी कॉन्फिडेंटली हम लोग को बोला कि आप यहाँ वहां मत जाइए, क्योंकि ऑलरेडी वो ऑलमोस्ट ऑपरेट के करने के बाद में 1 महीने से दवा खाने में यहाँ से वहां हम लोग खो रहे थे। तो एक हॉस्पिटल में तो यहाँ तक कि हम लोग आईसीयू तक मम्मी चले गए थे, पर जब सर से बात दोबारा करने के बाद में बोले कि आप यहाँ पे लेके आ जाइए, और वो जो कॉन्फिडेंस हम लोग को बोले कि वो जैसे आए उससे हम बेटर करके दिखाएंगे, आप लेके तो आइए। तो वहां से हम जब लेके आए और आज विद इन एक ही वीक में वो इतने फिट हो गए कि आज वो जा रहे है एंड वी आर, हम लोग की पूरी फैमिली इतनी हैप्पी है कि जो कंडीशन में हम लोग जो लेके आए थे वहां पे उनका लास्ट स्टेज था, ऐसा हम लोग को लग रहा था, आईसीयू के लिए बोले थे, बट सर ने हम लोग को बोला कि नहीं आप आईसीयू में मत लेके जाइए, यहीं पे सब ट्रीट हो जाएगा। और जब मम्मी दोबारा जब गुजरात से यहाँ पे आए थे, तब उनको नाक से खाना वगैरह दे रहे थे, यूरिन की बैग लगी हुई थी, यानी कि बोलते ना कि वर्स्ट कंडीशन थी उनकी, काफी वर्स्ट थी। एंड हम लोग को भी ऐसा लग रहा था कि नहीं यार इतनी तकलीफ हो रही है तो उसके कदर तो ऊपर वाला ले लिया बेटर है, बट जो कॉन्फिडेंस अश्विन सर ने दिया, आकाश सर ने दिया, योगिता मैम ने दिया, वर्षा मैम ने दिया, तो वो ही कॉन्फिडेंस हम लोग चल रहे थे। बट बोलते ना कि कहीं ना कहीं हमारी हिम्मत टूट रही थी, पर उन लोग की तो नहीं टूट रही थी, और उन लोग ने ये प्रूफ करके दिखाया कि यानी कि अगर अच्छे से ट्रीट करते हैं, अगर पेशेंट को राइट ट्रैक मिल जाता है तो वो पेशेंट बच जाता है विदाउट वो जो खर्चे बोलते ना, कोलोनोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी, तो वो सब खर्चे से भी हमको बचाया, पेशेंट को उतना सफर करने से बचाया। एंड बोलते ना कि एक आज जो डॉक्टर देते हैं इंसान को, वो आई थिंक हीलिंग हैंड्स इज द बेस्ट। जो मम्मी का कंट्रोल मोशन नहीं हो रहा था, जो रेगुलर बेस में उनका बार बार मोशन होते जा रहा था, अभी उनका पूरा कंट्रोल भी हो रहा है, अभी वो यानी इनफेक्ट पूरा चेक किए बताया, पूरा नॉर्मल हो गया, ऐसा हो दिख ही नहीं रहा है। कल मेरे को जब उन्होंने दिखाया कि आप चेक कर लीजिए, तो हमने देखा तो पूरा वो जगह भी पूरा एकदम पूरी हील हो चुकी थी एंड उनका वो जो मोशन था वो भी अब कंट्रोल में आ चुका है। सबसे बेस्ट के मेरी मम्मी हैप्पी है एंड हम सब फैमिली मेंबर्स सभी हम सब हैप्पी है। यहाँ के जो स्टाफ है वो लगता हमारे साथ डबल ट्रिपल हैप्पी है।